नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु खास सीरीज लेकर पल्लवी हाजिर हूं मैं। डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा इवेंट जो हम में से किसी ने भी शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था और उसके बाद आपके निवेश को लेकर चिंताएं बढ़ जरूर गई हैं। यानी कि जो आप कई समय से सेविंग्स कर रहे हैं घर पर, आखिर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उस निवेश को कहां लगाएं, कहां पार्क करें। आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे और इसी पहल में हमारे साथ हर्षवर्धन रूंगटा मौजूद है, चीफ फाइनेंशियल प्लानर रूंगटा सिक्योरिटीज। हर्षवर्धन, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इनफैक्ट हर्षवर्धन, कई सवाल हमें आए हैं मेजरली जो कह रहे हैं कि या तो रिसेंटली 8 नवंबर से पहले या 8 नवंबर के आसपास बड़े ट्रांजैक्शंस हुए, उनके अकाउंट में एक मोटा अमाउंट आया और अगर अब उसे निकाला जाए तो उसका सोर्स बताना होगा। इसको लेकर कई सवाल हैं और ऐसे ही कुछ सवाल आज हम लेने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सवालों को शामिल करेंगे। सबसे पहले हमें मनदीप ने सवाल भेजा है पंजाब से। इन्होंने अपने बारे में मेंशन किया है कि इनके एक भाई हैं जो कि लंदन में रहते हैं और इनकी मदर के अकाउंट में 8 नवंबर से पहले यानी इस अनाउंसमेंट से ठीक पहले लगभग 15 लाख की राशि उन्होंने ट्रांसफर की थी। अब दिक्कत यह है कि इनकी मदर का कोई पैन नंबर नहीं है, यानी कोई पैन कार्ड वो होल्ड नहीं करती हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि वो अमाउंट बैंक में तो पड़ा हुआ है लेकिन अगर जरूरत के लिए उस रकम को ये निकालते हैं तो क्या किस तरह की पूछताछ इनके साथ भी हो सकती है? वेल पल्लवी, अगर हम ये ट्रांजैक्शन देखें, इनके जो भाई हैं, जो रेसिपिएंट हैं, उनके बेटे, उन्होंने लंदन से अपने खाते से मनी ट्रांसफर करके अपनी मदर के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। सो क्वेश्चन है, ये ट्रांसफर बाय इटसेल्फ कोई इलिजिमिटेड ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ऑथेंटिक है। एक बेटे ने अपनी माँ के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, वो कोई इशू नहीं है, तो उसमें कोई क्वेरी की बात नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इनकी मदर का बैंक अकाउंट है, सो बिना पैन नंबर के या पैन कार्ड की कॉपी के बैंक अकाउंट में आज की तारीख में ये केवाईसी नहीं हुआ हुआ है, सो बैंक ऑपरेटिव कैसे? नॉर्मली ये अकाउंट ऐसे जो होते हैं वो फ्रीज कर दिए जाते हैं, डॉर्मेंट कर दिए जाते हैं। सो आई थिंक इन्हें अपनी मदर के लिए पहले पैन कार्ड अप्लाई करना चाहिए, केवाईसी क्रिया है वो बैंक के साथ में पूरी कर लेनी चाहिए और फिर बाद में केवाईसी रिक्वायरमेंट्स तुमको आगे कहीं निवेश भी करना होगा तो उसके लिए भी जरूरत पड़ने वाली है। सो पैन कार्ड एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है तो वो उन्हें डेफिनेटली एक नया बनवा लेना चाहिए। जहां तक हम डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो डर की बात है कि क्या एक्सप्लेनेशन देना होगा क्या नहीं देना होगा, क्लियर है कि इनके बेटे जो बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर लंदन में काम करते हैं, वो वहां से उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए हैं और अकाउंट ट्रांसफर हुआ है, कोई ओल्ड करेंसी जमा नहीं की गई है। सो आई डोंट थिंक कोई भी क्वेरी या इन्हें वैसे कोई डरने की बात है, सिर्फ है कि पैन कार्ड ये डेफिनेटली बनवा लें और अपने बैंक खाते में अपडेट करवा दें और आगे केवाईसी के लिए जहां भी निवेश करना होगा वहां भी इन्हें पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। राइट, यानी कि एक अहम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए होता है, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए पैन होता है, तो आप कोशिश शुरू कर सकते हैं, आगे आने वाले समय में जरूरत कभी पड़ सकती है और होना भी चाहिए रिकॉर्ड्स के लिए। तो अगर लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, अपनी मदर के लिए आप पैन कार्ड बनवाने की सोच सकते हैं। कुछ और दर्शक हैं जो हमसे सवाल पूछना चाहते हैं इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। मुकेश शर्मा है दिल्ली से। नमस्कार सर, अपना सवाल बताएं, क्या दिक्कत है आपको? मैम, मुझे सर से ये पता करना है, एक्चुअली मेरे और मेरी वाइफ की कुछ सेविंग्स हैं जी और मेरा एक होम लोन चल रहा है कोई 11-12 लाख रुपए का, तो सेविंग भी ज्यादा नहीं है, कोई 3.5-4 लाख रुपए की होगी। ओके, तो क्या मैं उससे होम लोन अपना पे कर सकता हूँ क्या? वो कैश में है। ओके, और ये सब पुरानी करेंसी में, आई बिलीव पुरानी करेंसी में। ठीक है मुकेश, बहुत ही जायज सवाल है क्योंकि ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि जो घर पर भी हम सेविंग्स करते हैं, जो हाउस होल्ड सेविंग्स होती हैं, उसका इस्तेमाल अगर हम कहीं करें, क्योंकि 15 दिसंबर तक तो रिलीफ है कि आप कुछ जरूरी सेवाओं के लिए उन नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोन रिपेमेंट इस पर्पज के लिए हर्षवर्धन, अगर इन्हें इस करेंसी का इस्तेमाल करना है तो क्या प्रोविजंस हैं? वेल पल्लवी, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो भी अगर हाउसवाइफ 2.5 लाख रुपए तक अपने अकाउंट में जमा करते हैं पैसे, क्योंकि ये समझते हैं कि लेडीज की सेविंग्स होती है, हाउसवाइफ्स थोड़ा अपने जो खर्चे दिए जाते हैं उसमें बचत करती हैं, तो अगर 2.5 लाख तक अगर आप बैंक में जमा करते हैं तो उस पर कोई वैसे क्वेरी आएगी नहीं। हम ये समझ के चल रहे हैं कि उनकी एग्जिस्टिंग इनकम जो उनकी वाइफ के नाम पे एग्जिस्टिंग इनकम नहीं है, तो 2.5 लाख तो डेफिनेटली वो अपने अकाउंट में, अपनी वाइफ के अकाउंट में जमा कर सकते हैं और वहां से ये पैसे वो अपने लोन रीपेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी बचेंगे 1 या 1.5 लाख रुपए,
वो इन्हें अगर अपनी अपने खाते में डालते हैं, अपनी वाइफ के खाते में डालते हैं, तो हो सकता है कि वो पूछा जाए कि आपको बाकी की इनकम का कहां से आया। तो आप अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये पुरानी सेविंग्स ही थी और अगर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर जाता है तो उस पे शायद आपको टैक्स भरना पड़ सकता है 10% के जो टैक्स का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपका एक जेन्युइन एक्सप्लेनेशन होगा, ऐसा आपके पेनल्टी और बाकी प्रोसिक्यूशन शायद नहीं लगे, लेकिन आपको जो टैक्स स्लैब में आएंगे, आप 2.5 लाख तक बिना कोई भी इनकम टैक्स भरना नहीं है आपको, 2.5 लाख के ऊपर जितनी अमाउंट होती है उस पे आपको 10% भरना होगा। तो हो सकता है कि टैक्स लायबिलिटी आ जाए बैलेंस अमाउंट पे, लेकिन बाकी जो पीनल प्रोविजन है वो आप पे लागू होते हुए नहीं लग रहे हैं। तो बैंक में जमा करें और वहां से अपना लोन पेमेंट डेफिनेटली, ये अमाउंट क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा है, 3.5 लाख के 3-4 लाख के आसपास है, तो क्या एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि 2.5 लाख रुपए ही अपनी वाइफ के अकाउंट में जमा करें और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अपने अकाउंट में जमा करें, क्या उस केस में भी टैक्स अट्रैक्ट होगा, मतलब क्या तब भी टैक्स देना पड़ेगा? वेल देखिए, अगर ये खुद के अकाउंट में बैलेंस अमाउंट जमा करते हैं तो इनकी ऑलरेडी कोई टैक्सेबल इनकम होगी, अगर ये आज की तारीख में इनके पास कोई सैलरी इनकम होगी या बिजनेस इनकम होगी सो उसपे तो ऑब्वियसली टैक्स लग रहा होगा। तो अगर मान लीजिए इनकी 5 या 6 लाख रुपए इनकम है तो उसपे वो 10% ब्रैकेट में ऐसे भी आ रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि ऊपर से अगर वो 1 या 1.5 लाख रुपए और जमा करते हैं तो उन्हें या तो कैश इन हैंड हो, अगर कैश इन हैंड उनके बुक्स में दिख रहा है तो वो तो कैश इन हैंड की जगह पे जमा हो गया, अगर कैश इन हैंड नहीं है तो आपको ये डेफिनेटली इनकम माना जाएगा और इनकम माना जाएगा आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा, इनकम में जोड़ने के बाद उस पे आपको जो आपके टैक्स स्लैब है उसमें टैक्स भरना होगा। ऐसे जो छोटे केसेस है इसमें शायद ये जो पीनल प्रोविजंस की बात कर रहे हैं हम, पेनल्टी प्रोसिक्यूशंस ये सब की बात कर रहे हैं, वो इस पे लागू नहीं होता क्योंकि जेन्युइन हाउसहोल्ड है और छोटी रकम है तो इस पे वो डर नहीं है, लेकिन जो टैक्स लायबिलिटी बनती है अनएक्सप्लेन डिपॉजिट्स पे तो उस पे तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। राइट, यानी कि घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है और जो मकसद है इस पूरे ही प्रोसेस का जो कि 30 दिसंबर तक चल रहा है, लोगों को अपनी पुरानी करेंसी बैंक में जाकर जमा करनी है, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि इकोनॉमी से ब्लैक मनी को पुश ऑफ करें, हटाया जाए और नई करेंसी सर्कुलेशन में आए। तो आई होप आपको कुछ जवाब मिल गया होगा क्वेरी का मुकेश जी, कि जो आपके पास कैश है वो आप पुरानी करेंसी लेकर बैंक में जमा कर सकते हैं, अभी 30 दिसंबर तक का समय बाकी है और उसके बाद ये जहां तक आपने पूछा लोन रिपेमेंट का, तो बैंक आपसे सोर्स पूछेगा, अगर आप ये अप्रूव कर देते हैं कि हाउसहोल्ड सेविंग्स है तो किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी। श्रीकांत जी ने एक सवाल भेजा है अमरावती महाराष्ट्र से और इनके पेरेंट्स का एक ज्वाइंट अकाउंट है हर्षवर्धन, जिसमें इन्होंने मेंशन किया कि ऑलरेडी 2 लाख रुपए इसमें जमा है और फर्दर इसमें कुछ और ये पैसा डालना चाह रहे हैं। इस वक्त फोन लाइन पर भी श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार श्रीकांत जी, आपने सवाल भेजा था व्हाट्सएप के जरिए, बता पाएंगे कि एग्जैक्टली इस अकाउंट में किसके नाम से ये अकाउंट है? ये मम्मी के नाम से। ठीक है, उनका कोई पैन कार्ड है क्या? हाउस वाइफ है आपकी मदर? हाउस वाइफ हूँ। तो पैन कार्ड रखती हैं क्या वो? नहीं मैडम, जरूरत तो नहीं पड़ी अब तो, क्योंकि वो थोड़ा इंस्टॉलमेंट में 50-40 ऐसा डाला अमाउंट था, पुराना है तो अभी मैं नया कितना डाल सकते हो, जबकि पुराना मेरा है 2 साल पहले का 2 लाख रुपए जमा है, तो अब कितना? तो आपने थोड़ा थोड़ा करके डाला है जिसमें अभी करीब 2 लाख रुपए और पिछले 2 साल से आपने कोई भी नया पैसा उसमें नहीं डाला है? ठीक, निकाला भी नहीं। ठीक है ऑलराइट। हर्षवर्धन, काफी सिमिलर केस है कि ये फर्दर डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, यहाँ विड्रॉल को लेकर क्वेश्चन नहीं है, डिपॉजिट को लेकर है कि ऑलरेडी 2 लाख रुपए उसमें पड़े हुए हैं। आई थिंक ये जो 2.5 लाख की फिगर है उसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है कि अगर ये उसमें 50,000 रुपए ऐड करते हैं या फिर उससे ज्यादा अमाउंट ऐड करते हैं क्या किसी तरह की टैक्स लायबिलिटी लग जाएगी उस अकाउंट पर? वेल नहीं, अगर हम देखें तो 2 लाख रुपए जो है वो कई सालों से अकाउंट में पहले से पड़े हैं, ये फाइनेंशियल ईयर में डाले नहीं गए हैं। अभी अगर वो फ्रेश 2.5 लाख तक निवेश करते हैं तो वो ये साल में जमा कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 16-17 है उसमें वो जमा कर रहे हैं। जो रिपोर्टिंग नॉर्म्स हैं अभी वो भी समझना होगा कि अगर ये 2.5 लाख रुपए निवेश करते हैं, 2.5 लाख के ऊपर करते हैं तब बैंक वो रिपोर्ट करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब ये रिपोर्टिंग बाय इटसेल्फ एक कुछ डरने वाली बात नहीं है कि आपका नाम चला गया तो आपका कोई ब्लैकलिस्ट हो रहा है, वैसा बात नहीं है, ये सिर्फ एक डेटा लिया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो डेटा मिलने के बाद अगर उन्हें ऐसे लगता है वो डेटा सॉफ्टवेयर में मैच करेंगे, अगर ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा मिसमैच है तो शायद आपको एक नोटिस आ सकती है कि आपने 2.5 लाख रुपए जमा किए हैं लेकिन आपकी इनकम में वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ये कहां से आया?
तो एक सवाल आएगा आपके पास, अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन दे सकें, जैसे इनकी मदर का अकाउंट है, अगर 2.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो जैसे प्रीवियस क्वेरी भी हमने देखी थी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर सेविंग्स, हाउसहोल्ड सेविंग्स होती है वो आप अगर 2.5 लाख रुपए तक जमा करते हैं तो आपको कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो अगर यही चीज हम मानते हैं कि टैक्स लायबिलिटी है नहीं क्योंकि उनका कोई अदरवाइज इनकम नहीं है जी। तो 2.5 लाख तक तो ऐसे भी एग्जेम्प्ट इनकम है, तो आप वो चीज अगर डालते हैं बैंक में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं फिर से आश्चर्य में हूँ कि ऐसे कितने बैंक अकाउंट्स हैं जिसमें बिना पैन कार्ड के खाते एक्टिव हैं और उसमें ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। वेल आई डोंट नो ये पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी समझ है पैन कार्ड मैंडेटरी है एज अ केवाईसी प्रोसेस अगर बैंक में आपको अकाउंट खोल मेंटेन करना है तो। सो अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड लीजिए और पैन कार्ड अपने बैंक में अपडेट करिए और बेहिचक आप पैसे जमा कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। पहले के 2 लाख हैं वो पिछले साल के हैं और वो आपके बैंक के पासबुक में पहले की डेट में दिखेंगे, तो ये साल से उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो आप बेफिक्र अपने 2.5 लाख रुपए तक तो डेफिनेटली अपनी मदर के अकाउंट में जमा कर सकते हैं जी। यानी कि इस चीज को लेकर कंफ्यूजन दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आप निवेश कर रहे हैं, इनफैक्ट जो डिपॉजिट कर रहे हैं आप बैंक खाते के अंदर, 2.5 लाख से ऊपर 8 नवंबर के बाद जो डिपॉजिट हुए उस पर नजर है आईटी विभाग की, लेकिन अगर आप जेन्युइनली ये प्रूव कर सके सोर्स क्या है इस रकम का तो किसी भी तरह की दिक्कत आप नहीं फेस करेंगे। अगर आपके अकाउंट केवाईसी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, पैन कार्ड भी अगर आपके पास है तो किसी तरह की परेशानी आपको नहीं होगी। एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी हर्षवर्धन हमारे साथ मौजूद रहेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज जो डी मोनेटाइजेशन के बाद आपके इन्वेस्टमेंट्स पर फर्क पड़ा है उस पर हम थोड़ा सफाई लेने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप निवेश कहां करें और साथ ही अगर आपके पास कोई राशि है तो क्या किसी तरह की घबराने की जरूरत है या नहीं। फोन लाइन पर भी कई दर्शक है इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रोशन नाहर बीकानेर राजस्थान से, नमस्कार नाहर साहब, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाह रहे हैं। शायद फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुए, लेकिन इनके सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए मिले हैं और लगातार कई सवाल हमें मिल रहे हैं अपने निवेश से जुड़े हुए और साथ ही कैश डिपॉजिट को लेकर जो भी कंफ्यूजन उसे हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। रोशन जी ने अपना सवाल भेजा है कि इनके पास 2 अकाउंट है, करंट अकाउंट भी होल्ड करते हैं, सेविंग्स अकाउंट भी होल्ड करते हैं, दोनों में सेम पैन का जमा किया है, क्या 5 लाख का कैश ये डिपॉजिट कर सकते हैं। हालांकि ये क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाया कि 5-5 लाख दोनों अकाउंट्स में ये डालना चाह रहे हैं या फिर 2.5 लाख रुपए की राशि जमा करेंगे और कुल 5 लाख की राशि। अगर मौजूदा जो नियम है और जो फिलहाल नोटिफिकेशन है हर्षवर्धन, उसको ध्यान में रखें तो क्या किस तरह की परेशानी इनके लिए आ सकती है अगर ये कैश डिपॉजिट करने जाते हैं। वेल पल्लवी, अगर हम कैश डिपॉजिट की बात कर रहे हैं तो जो रिपोर्टिंग नॉर्म्स हैं, जो बैंक को रिपोर्ट करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो ये है कि अगर सेविंग्स अकाउंट में कोई भी इंडिविजुअल अगर एक दिन में 50,000 से ऊपर पैसे जमा करता है और कलेक्टिवली 9 नवंबर से लेके 30 दिसंबर तक अगर वो 2.5 लाख रुपए के ऊपर जमा करता है, ये दोनों कंडीशंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका 2.5 लाख रुपए तक के अंदर है लेकिन एक ही दिन में आ जाके आपने 2.5 लाख रुपए जमा कर दिए, ये 2 लाख रुपए जमा कर दिए तो आपका नाम नहीं जाएगा। सो रिपोर्टिंग नॉर्म्स में दिन का 50,000 रुपए या पूरे पीरियड का जो 50 दिन है उसके अंदर अगर आपके 2.5 लाख के अगर ऊपर जमा हुए हैं तो आपका जो डिटेल्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगा। करंट अकाउंट का जो प्रोविजन है वो है पूरे पीरियड में आप 12.5 लाख रुपए के ऊपर अगर जमा करते हैं तो आपकी जो डिटेल्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सिर्फ आपके डिटेल्स जाने की वजह से आप क्रिमिनल नहीं बन जाते, वो एक रिपोर्टिंग नॉर्म्स है, वो बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो डेटा देखना चाहता है, जब वो डेटा देखते हैं और फिर वो अपने सिस्टम में उसे मैच करेंगे और ये देखेंगे कि आपकी अनयूजुअल एक्टिविटी है आप, तो आपको एक नोटिस भेजा जाएगा जिसमें आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा कि आप बताइए कि ये पैसे आपने जो जमा किए हैं वो किस बेसिस पे जमा किए हैं। अगर आप एक सेटिस्फैक्टरी उन्हें जवाब दे सकते हैं कि आपके कैश इन हैंड था ये पैसा और यही पैसा आपने वापस जमा किया है या आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है जो आप पहले से एस्टैब्लिश है, एक पहले से आपका एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है और उसी तरह से आपको ये पैसे मिले हैं और आपने जमा किए हैं और इस पे जो भी टैक्स बनता है वो आपने अगर दे दिया है
तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम उन्हीं आएगी अगर आप कोई ऐसे अपना कैश जो अनअकाउंटेड था वो आपने बैंक में जाके एक्सचेंज करने की कोशिश की या उसे यूज करने की कोशिश की, तब जो प्रोविजन है पेनल्टी के और जो टैक्सेशन है जो प्रोसिक्यूशन है वो होगा। अभी इसके अलावा अगर हम एक चीज और देखें जो अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में अप्रूव हो गया है वो है नया जो टैक्स के जो इनकम टैक्स में जो अमेंडमेंट किए गए हैं कि आप 50% टैक्स भर दीजिए और बाकी 25% लॉक इन होगा 4 इयर्स के लिए। अगर वो स्कीम के तहत भी जमा कर रहे हो तो डेटा जरूर जाएगा, लेकिन बाद में आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये पैसा इस स्कीम के अंडर में है और मैंने टैक्स भर दिया है। तो इश्यू वैसे कुछ नहीं है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, सरकार का हक बनता है आपसे पूछना। अगर एक सवाल पूछते हैं तो उसका आप जवाब दे पाते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो कम से कम 2-3 बातें यहाँ पर साफ हो गई हैं एक्सपर्ट की तरफ से कि एक तो ये कि जो आप राशि जमा कर रहे हैं चाहे उसका अमाउंट 2.5 लाख से ज्यादा क्यों ना हो, अगर आपके पास प्रूफ है सोर्स बताने का कि वो रकम आपके पास कहां से आई तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक दिन में जो लिमिट है सेविंग्स अकाउंट में 50,000 से ज्यादा अगर आप जमा करते हैं तो ये जानकारी आईटी विभाग के पास जाएगी। साथ ही इस डिसीजन के बाद यानी 9 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में अगर 2.5 लाख की राशि आपके अकाउंट में जमा होती है तो भी जानकारी आईटी विभाग के साथ साझा की जाएगी। और जहां तक करंट अकाउंट का सवाल है तो लगभग 12.5 लाख रुपए की से ज्यादा राशि वो एक कैप है, उससे ज्यादा जमा होती है तो आपको सोर्स बताना होगा। तो अगर आईटी विभाग का नोटिस आता है और आपके पास सोर्स बताने के तरीके हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, आईटीआर आपने प्रॉपरली पिछले 1-2 साल में फाइल किया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हमारे साथ एक और दर्शक है, अहमद है आसिफाबाद तेलंगाना से, इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हैं। अहमद जी नमस्कार, आपका सवाल व्हाट्सएप के जरिए मिला, बताइए आप क्या करते हैं। जी नमस्ते मैम। जी जी मैं सिल्पेंट और जिराफ पेंट चलाता हूँ मैम। ठीक है, तो मेरा ये सवाल है कि साहब से कि मैं जिराफ सेंटर और सिल्पेंट चलाता हूँ, उसमें मनी ट्रांसफर वगैरह सब कुछ करता हूँ, तो उसमें क्या है मनी ट्रांसफर जो भी कर रहा हूँ ना तो वो ट्रांजेक्शन मेरे अभी जो 2.5 लाख से ज्यादा हो जाएगा ना। अच्छा, तो उसका फिर उसका कुछ टैक्स भरना पड़ेगा और एक इंश्योरेंस जनरल। जो भी आप अपनी शॉप से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं क्या वो ऑनलाइन होते हैं या फिर कैश में होती है ज्यादातर डीलिंग? ऑनलाइन ऑनलाइन मैम। ठीक है, ऑनलाइन होता हूँ और एक जनरल इंश्योरेंस भी जो मैं करता हूँ तो वो जनरल इंश्योरेंस भी हमारे भाई के लाइसेंस पे करता हूँ, तो जो है उसका भी ट्रांजेक्शन करता हूँ, ओनली ट्रांजेक्शन होता है तो उसका भी जानकारी है। और एक हेलो मैम। जी जी, तो और एक मैं क्या जानकारी चाहिए थी बोले तो कि ये अभी मैं मेरे भाई का और एक भाई, हम पूरे 8 भाई है, तो उसमें से एक भाई का क्या है जनधन योजना का अकाउंट था, तो उसमें परसों वो 43,000 डिपॉजिट कराए, तो वो 43,000 जो डिपॉजिट कराए तो वो एटीएम ब्लॉक कर दिया गया वहाँ से। ओके, तो आपने बैंक से जानकारी ली ऐसा, क्योंकि 50,000 से कम उन्होंने जमा किया है तो ऐसे में ये एक्शन क्यों लिया गया आपने पता किया? जी मैम, आपने बैंक से पता किया एटीएम ब्लॉक क्यों कर दिया गया? हाँ, तो अभी आज कराया तो वो बोले कि सेविंग अकाउंट के ना करा दो आप हो जाएगा बोले, तो करा दिया अभी, तो उसका 43,000 जो था मेरे को हमारे पास लैंड है तो उसका जो अपने पास जो भी इनकम आता है वो बता दिया। आप फोन लाइन पर बने रहे, एक्सपर्ट ने काफी हद तक आपका सवाल सुना है और हर्षवर्धन जो भी डिटेल से दे रहे हैं, इनफैक्ट उन्होंने व्हाट्सएप में स्वाइप मशीन को लेकर भी कुछ पूछा था, लेकिन पहले जो इनका पहला पार्ट है सवाल का उसका आप जवाब दीजिए, उसके बाद अगर आपके पास फर्दर कुछ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं अहमद से। हर्षवर्धन या वेल पल्लवी, अगर हम देखें तो ये सिस्टम ऐसा है कि जेरोक्स सेंटर है, जो रिसीप्ट्स होता है वो डेफिनेटली कैश में ही लगभग होती है, और इन्होंने मोबाइल रिचार्ज करवाया है या कोई इंश्योरेंस के प्रीमियम भरे हैं, सो अभी तक ठीक था, लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि अब जो कैश इनके हाथ में है ये कैश इनकी रिसीट्स हैं जो इन्हें एक कस्टमर ने इन्हें ओवर द काउंटर दिया है और इसके सामने इन्होंने उनका मोबाइल रिफिल करके दिया है या तो इन्होंने इसके बिहाफ पे अपने क्लाइंट के बिहाफ पे प्रीमियम भरा है। सो क्वेश्चन है कि आपके पास जो पैसा दिया है उन लोगों की आपको आइडेंटिटी या कस्टमर या कुछ तो बिल आपने दिए होंगे, ठीक है, अगर आपके पास वो सब भी नहीं है तो आपने जब मोबाइल रिचार्ज किया तो आपने रिचार्ज कंपनी जो मोबाइल कंपनी है उनसे आपने उतना वैल्यू का जो रिचार्ज के वैल्यू होता है उसने आपने परचेज किया होगा। सो क्वेश्चन है कि आप एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बना लें जिसमें आपने परचेज और सेल्स, सेल्स वो है जो आपको कस्टमर ने ओवर द काउंटर दिया है, आपको हर कस्टमर के नाम वगैरह नहीं होंगे वो बात अंडरस्टूड है, लेकिन आप एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जरूर बना लें, क्योंकि अभी आप अगर ये पैसे जमा करने जाएंगे, मान लीजिए आपके हाथ में 2 लाख रुपए हैं, आप बैंक में जमा करने जाते हैं, सो ये 2 लाख रुपए के सामने आपने 2 लाख या 2.5 लाख रुपए के या 1.5 लाख रुपए के आपने कोई गुड्स खरीदे भी होंगे,
आपने रिचार्ज कंपनी का जो बैलेंस अपने मोबाइल में लिया और वही आपने भरा है, तो आपके पास पेमेंट का प्रूफ एटलीस्ट एक साइड जो है वो ऑफिशियल आपके पास बिल है। सो इस प्रकार आप एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बना ले। टैक्स जो होता है वो टैक्स आपकी इनकम पे दिया जाता है। सो अगर आप दिखाते हैं कि आपने 2 लाख के सेल किए हैं और आपके पास 1,75,000 का परचेस है, तो 25,000 आपकी इनकम होती है। ये 25,000 जो हम इनकम बात कर रहे हैं वो 2.5 लाख तक ये इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो आप एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएं और फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके सेल्स जो होते हैं वो ओवर द काउंटर होता है। आगे जाते हुए अगर आप बिल बनाते हैं, ऑफिशियल बिल जो भी आपको पेमेंट करते हैं उसका बिल आप इशू करते हैं, तो आपके पास उसका रिकॉर्ड रहेगा आपके सेल्स का। सो इस प्रकार जाते हुए आप अपने बुक्स को थोड़ा सुधार लें, क्योंकि हमने देखा है प्रधानमंत्री या सरकार का एक पूरा क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि सारी चीज वो स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं जी, और सब कुछ रिकॉर्ड में रहेगा ऑनलाइन आगे अपने प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने के। समय की कमी हर्षवर्धन आपको यहीं रोकेंगे। जो पूरा मकसद है इस पूरी ही एक्सरसाइज का वो ये है कि डिजिटल इंडिया की तरफ हम आगे बढ़े, और कई ऐसे देश हैं दुनिया में जो प्लास्टिक मनी पर चलते हैं, कैश पर डिपेंडेंसी उनकी कम होती है, जिससे ट्रांसपेरेंसी आए सिस्टम में और ब्लैक मनी पुश ऑफ हो। चलिए फिलहाल आज के मनी गुरु में इतना ही। हर्षवर्धन शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। कल फिर लौटेंगे, इसी सीरीज को जारी रखेंगे, आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। नमस्कार।